हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास एलेवं का जो पेपर है इंग्लिश का उसके बारे में तो आइए देखते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए से रीडिंग स्किल्स यानी कि आपको पैसेज मिलेगा एक और उसके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आपको आप पैसेज को ढंग से पढ़ना है सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है पैसन से पैसेज को ढंग से देख लीजिए तो ये था पूरा पैसेज आपका इसका पहला क्वेश्चन है पैसन एज ए पावरफुल टूल फॉर, तो आपने अगर ढंग से देखा है पैसेज को तो पहली लाइन में आपको देखेगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सक्सेज दूसरा है ए पेडिएट्रिशियन एज ए फिजिशियन हु डील्स विद इसको आप देखें ढंग से पैसेज को आपको पता लग जाएगा दूसरा है सॉरी तीसरा है इंतुसियाज कैन बी मेंटेन्ड बाय सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका पैसेज से रिलेटेड है सॉरी सेक्शन भी आपका, है आपका राइटिंग स्किल से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था पैसेज से था जो हमने स्किप कर दिया क्योंकि आप पैसेज वाले क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है मिस्टर एन के गुप्ता सीनियर सेकेंड सीनियर हिस्ट्री टीचर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ क्लास एलेवेंथ हु वांट टू गो ऑन ए हिस्टोरिकल ट्यूर ड्यूरिंग द वेसन ही गेम में फिफ्टीन एज द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन टू रीच द अंडरसैंड इन दिस कनेक्शन ही पुट्स अप ए नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड और केंद्र क्वेश्चन है यू आर गोइंग अब्रॉड यू वॉन्ट टू सेल योर हाउस बिल्ड थ्री ईयर्स अगो ड्राफ्ट एंड एडवरटाइजमेंट इज नॉट मोर देन फिफ्टी वर्ड्स गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द हाउस एंड इट्स लोकलिटी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखें तो आपको बनाना है दोनों में से एक क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर फोर है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हेम टू ग्रांट यू सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक ऑफ स्कूल और के अंदर क्वेश्चन राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हेम वाट यू इंटेंड टू डू आफ्टर योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट एन आर्टिकल एंड मैंशन वेरियस चैलेंजेज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फेसिंग एज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और के अंदर क्वेश्चन दे रखा है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस ए रिपोर्ट ऑन ग्रो मोर ट्रीज आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनकी हेल्प लेनी है आपको वह है फूड ऑफ फूड ट्वीट दूसरा है हाउसेज फॉर सेल्टर तीसरा है सपोर्ट लाइफ फोर्थ है कोच ट्रेन और फिफ्थ है मेडिशनल प्लांट्स सेक्शन सी है ग्रामर से जिसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर सिक्स फिलिंदा ब्लैक्स एनी फाइव क्वेश्चन करने हैं आपको फिलिंदा ब्लैंक्स बढ़ना है आपको अभी तो सारे क्वेश्चन देखना है पता नहीं एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए तो इनको करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे फॉलो करके कर रखें जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और पी वगैरह मिल सके तो आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स का पहला है सुनील खाली जगह था आ, विंडो येस्टरडे तो इसका आंसर आएगा शट द विंडो येस्टरडे सेकंड है आई प्लेड चेस वाइल माय ब्रदर फ्लू काइट थर्ड है इसमें आएगा सिंस इट वाज गेटिंग लेट आई सेंड फॉर ए टैक्सी फोर्थ है प्लीज वेट हेयर खाली जगह आई कम बैक टेल आई कम बैक फिफ्थ है इटली इज खाली जगह यूरोपियन कंट्री तो इटली इज ए यूरोपियन कंट्री सिक्स है आई एम अफ्रेड खाली जगह रेड्स तो आई एम अफ्रेड ऑफ रेड्स क्वेश्चन नंबर सेवन है जिसमें आपको डूए डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन दे रखे हैं एनी फाइव क्वेश्चन करने हैं आपको फर्स्ट है मिस्टर शर्मा टीच इंग्लिश तो इसको क्या करना है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है आपको तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मिस्टर शर्मा टोटस इंग्लिश तो आपका आंसर क्या रहेगा मिस्टर शर्मा हैज टोटस इंग्लिश सेकंड है वैन किरण कॉल्ड आई वाज स्लीप तो इसमें आपको करना है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रीराइट सेंटेंस तो इसका आंसर रहेगा वैन किरण कॉल्ड आई वाज स्लीपिंग थर्ड है वी डू नॉट हेट द पुअर इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका आंसर आएगा द पुअर आर नॉट हेटेड बाई अस फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका आंसर रहेगा ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन फिफ्थ है द बॉय इज़ माई ब्रदर ही इज़ बियरिंग ए रेड कैप तो आपको इसको रिलेटिव क्लोज में कंबाइन करना है तो इसका आंसर रहेगा द बॉय हु इज़ बियरिंग ए रेड कैप इज माई ब्रदर सिक्स है माई सिस्टर इज ए डॉक्टर माई सिस्टर लिव्स इन भोपाल आपको कंबाइन करना है इसको हु के साथ तो माय सिस्टर हु लिव्स इन भोपाल इज ए डॉक्टर नेक्स्ट है सेक्शन डी इसमें आपको रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो यह आपको पूरा एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसको केयरफुल रीड करना है और क्वेश्चनों के आंसर देना है आपके क्वेश्चन है हु रिमूव द मम्मीज हेड सेकेंड है हु वाज फेवलसली वेल्दी इन टाइम थर्ड है वाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सरगमेंटेट इन द एक्ट्रैक्ट फोर्थ है किंग टाच खाली जगह विद ग्लिटरिंग गुड्स फिफ्थ है राइट द एनोनेम ऑफ कंसील्ड क्वेश्चन नंबर नाइन है रीड द फॉलोविंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इसके क्वेश्चन है वाइट आज द गोल्ड फिंच वर्ड कम टू वाट द ट्री सेकंड है व्हेन द वर्ड फ्लाइज अवे द ट्री बिकम्स थर्ड है व्हाट इज डिस्क्राइब एज इंजन इन द अब लाइंस इसका बी पार्ट है इसमें अगेन एक्सट्रेक्ट दे रखा है और इसके क्वेश्चनों का आंसर देना है आपको इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्टर न्यूली आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज सेकेंड है हुइज सुशैन थर्ड है क्रिस्टिन वांटेड टू अवॉइड खाली जगह फोर्थ है विच वर्ड इज द एक्स्ट्रैक्ट एंड सिनोनिम ऑफ चेज या फॉलो क्वेश्चन नंबर टेन है जिसमें आपको एनी फाइव क्वेश्चन के आंसर देने थर्टी वर्ड्स के अंदर पहला क्वेश्चन है वाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर सेकेंड है द बॉय किंग चेंड हिज नेम टू खाटे खाटूम खामून वाई थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन यू नीड सम इंट्रैक्शन टू कॉज ए ट्रांजिशन फोर्थ है गिव रीजन वाई द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड फिफ्थ है वाई डेड द नेरेटर अंडरटेक अंसीव वो ये सिक्स है मैंसन द वे इन विच द स्पेरोज एक्सप्रेस दियर सोरो वेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड इलेवन नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको एनी थी क्वेश्चन के थर्टी वर्स में आंसर देने हैं पहला क्वेश्चन है द पॉइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैप शॉट वट डिड दिस लाफ इंडिकेट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है टू वाट इज द वर्ड्स वूमेन कंपेयर्ड वाट इज द बेसिस फॉर द कंपेरिजन थर्ड है वाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल फोर्थ है वाट इज द फादर्स कंप्लेन अगेंस्ट हिस्सन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन थर्टी वर्ड्स एनिटू क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट डाज द नेरेटर थिंक ऑफ मोराट सेकंड है हाउ डज़ द नेरेटर रिकॉग्नाइज मिस्टर मिसिज डॉलिंग थर्ड है वो इज मिससेज गेराल्ड व्हाट डज़ सी एडवाइज मिस्टर पियर्सन थर्टी नंबर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट सेवेंटी फाइव वर्ड्स एनी टू क्वेश्चन फर्स्ट है वाट हार्मेड द वेव्स टू टू द वेव वॉकर सेकेंड है वाट वर द रिजल्ट ऑफ द सिटी स्कैन थर्ड है वाई द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट हॉर वाज इन स्टार कॉन्ट्रेस्ट टू अर्लियर अकाउंट्स ऑफ द प्लेस फोर्टींथ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वर्ड्स फर्स्ट है वाट आर द थ्री फ्रेजे डिस्क्राइब इन द पॉइम फोटोग्राफ और वाट इज द पॉइट फीलिंग टू वर्ड्स चाइल्ड हुड लास्ट क्वेश्चन है फिफ्टीन नंबर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वर्ड्स तो यह है द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ हुमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलो वर्स कमेंट तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इसलिए सारे क्वेश्चन को याद कर ले रट ले अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें जिससे आपको वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू